हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में। गाइस, मैं लेके आया एपिसोड नंबर 86, कल की बात आज, यानी कि हम एडवांस में, आज डेट है 13 सितंबर और हम एडवांस में डिस्कस करने वाले हैं रात को बैठ के कि भैया कल किन लेवल्स पे आपको नजर रखना है निफ्टी बैंक निफ्टी के, जिस लेवल्स पे आपको बाई और सेल करना है। चलिए शुरुआत करते हैं किंग रिसर्च ईगल आई व्यू के साथ। सो निफ्टी फ्यूचर्स ऑन राइज, ओनली थिंक फॉर द सेल, डोंट थिंक फॉर द बाय। यस, अबव 11470 अगर बायर्स हो, छोटा सा रिस्क लेना चाहते हो, यू कैन टेक रिस्क फॉर बाय साइड विद स्टॉप लॉस 11430, राइट? ऑन राइज जो मेरा मंत्र रहेगा, ऑन राइज अपसाइड रैली सेल नियर 11570 11630, समझदार को इशारा काफी। लोअर साइड सपोर्ट 11370 11240। लेकिन बड़े भाई एक बात बोलूं, ध्यान से समझना, मैंने एक वीडियो में आपको ऑलरेडी अपडेट किया था कि निफ्टी 12000 दोबारा और 10000 नीचे का लेवल, तो फिर ध्यान से समझना सर, लाइव आके भी क्लियर कट बोला है मार्केट में अभी मंदी नहीं दिख रहा है। बाइंग ऑन डिप की रणनीति, पोजिशनल लेके चलना, पोजिशन मतलब पूरा ये एक महीना और नेक्स्ट महीना भी, यानी कि दिवाली तक मेरे को तेजी लग रही है, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल चाहिए होते हैं जो पिछले हिस्ट्री में भी रिपीट हुए हुए हैं। या तो मार्केट नए हाई पे जाके गिरता है, या फिर कुछ नए इवेंट्स होते हैं, नए कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो लेवल्स पे दोबारा जाके उसी लेवल्स पे गिरता है। तो स्टे ट्यून विद अस, अभी जो रणनीति रहेगी ये इंट्राडे लेवल्स का दे रहा हूँ, अदरवाइज बाइंग ऑन डिप करने का मेरा क्लियर कट ये मंत्र, ये ध्यान रखना। और आप लोग की अगर रिक्वेस्ट रही तो जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर भी कुछ सेबी के नए रूल्स आए हैं, आप समझना चाहते हो कि उसका इफेक्ट क्या आएगा और मिड कैप क्या अभी शेयर्स बाई करना चाहिए, क्योंकि 40,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप से सीधे की सीधे स्मॉल कैप एंड मिड कैप में 25% का हिस्सेदारी होने वाला है। तो जो फंड ट्रांसफर होगा बड़े से छोटे लोगों के पास, जो पैसा जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत है, क्या उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है? अगर आप वो वीडियो पे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं उस पे भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और क्या सही टाइम रहेगा मिड कैप शेयर्स को बाई करने का, क्या सही टाइम रहेगा कि बड़े जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें बिकवाली का, तो एग्जैक्टली बिकॉज सी, मैं सर वो नहीं बताना चाहता जो किताब में सेबी ने बताया है, ठीक है? पूरी आपने यूट्यूबर में देखा होगा, सब यूट्यूबर ने वही कॉपी पेस्ट मार दिया है, वही गाना गा दिया है कि भैया सेबी ने क्यों बताया, ठीक है, लेकिन मार्केट में प्रैक्टिकली कैसे लिया जाए उसको, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए? अगर आप सब समझ रहे थे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना दूंगा। बैंक निफ्टी लास्ट क्लोज 22575, यस अबाउट 22747, इट विल जूम टू किस 22930, छोटे लेवल्स है। 23156 योर सपोर्ट 22470 का रहेगा। और कितने लोगों को याद है फ्राइडे को जो लेवल्स दिए थे भाई साहब, सेम लेवल्स है, मेरे लेवल्स बार बार चेंज नहीं होते हैं, और लेवल्स डंके की चोट में रिस्पेक्ट करते हैं। फ्राइडे का लेवल्स आप निकाल लेना, फ्राइडे को भी यही लेवल्स दिए थे, आज भी मंडे को भी यही लेवल्स दे रहा हूं भाई, एग्जैक्ट 470 के लेवल पर डांसिंग इन आवर टूल, और टॉप पे क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी बनाता इस लेवल्स के साथ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने सिखाया क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी क्या है, भाई टॉप पे क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी है, टॉप पे ठोका था, और मैंने लाइव मार्केट में टेलीग्राम में भी आपको अपडेट कर दिया था भाई, बहुत मार्केट ऊपर के रेट पे चल रहा है, बाई कोई नहीं करेगा, और हमने ऑप्शंस में ट्रेड करा तो अपना पैसा बनाया था, और आपको लाइव M2M भी दिखाया था, आप लोगों को टेलीग्राम में लाइव प्रूफ दे दिया गया है। और दोबारा यही सेम लेवल्स मैं कल के लिए भी दे रहा हूँ, लेट्स सी कैसे काम करता है। मेरे बड़े भाई ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है, कैमरेला हिडन लॉजिक, जो कैमरेला आपने पढ़ाया है सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज, और यहाँ पे मैंने प्योर प्रैक्टिकल नॉलेज, किस तरह से आपको 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर स्टॉक सिलेक्शन करना है, किन ईगल आई व्यू किन स्टॉक्स पर रखना है, इंट्राडे प्योर दिया हुआ है, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी स्ट्रैटेजी। इस तरह की स्ट्रैटेजी लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, और मैंने आप लोगों को फ्री में दिया। हमारा एक ही मंत्र है, लर्न एंड देन अर्न। पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट, सीखो, खुद से सीखो,
फिर पैसा कमाने का सोचो। इसके अलावा भी 10 से 12 YouTube में स्ट्रैटेजी YouTube में दे रखा है, उल्टा पुल्टा CPR के ऊपर, आपका क्रोकोडाइल स्ट्रैटेजी तो नहीं दिया है, सॉरी पैरामिड स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी का पावरफुल 10 मिनट में है। आप लोगों को नहीं पता निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो भैया मेरा पैरामिड स्ट्रैटेजी देख लेना, वंडरफुल स्ट्रैटेजी। प्लीज़ गाइस फॉलो करो यार, महीने भर में 10 से 12 ट्रेड आएंगे लेकिन फैंटास्टिक रिजल्ट आएगा। तो हमारा मंत्र है Learn and then earn. The goal of the successful trader is to make the best trade. Best trade. But आप क्या सोचते हो? पैसा कमाना है. ट्रेड करा मतलब पैसा आना चाहिए भाई. बेस्ट ट्रेड करने का सोचो, मनी ऑटोमेटिक आ जाएगा. याद है ना 3 idiot, आप सब ने देखी है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है. इसलिए थैंक यू सो मच गाइज, जिन लोगों ने हमारा 14 सितंबर का बैच ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट, क्योंकि सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर होता है कि यार किस बंदे को फॉलो करो, मार्केट में इतने सारे लोग हैं, कौन जेन्युइन है कौन खराब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोलता हूँ, पहले काम देखो, किसी के बोल बच्चन से नहीं। एक हफ्ता मेरे लेवल से आप फॉलो करो, टेलीग्राम आप ज्वाइन करो, लाइव परफॉर्मेंस देखो, समझ में आएगा जुड़ो, नहीं समझ में आएगा ब्लॉक करके आगे बढ़ो, सिंपल सा लॉजिक है। और जिससे भी सीखना है भाई, एक चीज़ देखना, क्या वो खुद ट्रेड करता है? अगर ट्रेड करते हैं जाना, नहीं ट्रेड करना तौबा तौबा करके तुरंत निकल लेना, अगली गाड़ी पकड़ लेना भैया, कोई फायदा नहीं है, ब्लफ हो जाओगे, बेफ को बना दिया जाओगे, राइट। तो वी आर प्रोफेशनल ट्रेडर, सीखो। जिन लोगों ने ह्यूज रिस्पॉन्स आया हमारी क्लास में, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, राइट। तो थैंक यू सो मच, ऑलमोस्ट सीट्स हाउसफुल हो गई हैं, सीट्स नो सीट्स, थैंक यू। अगर हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, लेवल समझ में आ रहा है गाइस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, मोटिवेशन कर दो, जैसे मैं आपको मोटिवेशन देता हूँ, आप लोगों का भी मोटिवेशन चाहिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा है लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि जो भी मैं पावरफुल सेटअप दूँ, स्ट्रैटेजीज दूँ, कुछ भी दूँ, आप लोग को डायरेक्ट मेरा मैसेज मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। एक मैसेज के साथ, बोनस टिप्स के साथ, हमारा SRM स्ट्रैटेजी देखो भाई, ब्लाइंडली किसी भी ट्रेड पे, गोरिल्ला ट्रेड हमने कैडिला दिया था, आपने नोटिस किया होगा। हाँ, कैडिला का परफॉर्मेंस देखना चाहोगे? क्या बोलती है पब्लिक, देखना चाहोगे? यस और नो? आओ आपको गोरिल्ला का पावरफुल दम दिखाते हैं बॉस, लुक एट दिस परफॉर्मेंस। लिमिटेड ट्रेड्स आएंगे, फिर बोल रहा हूँ भाई, वेरी लिमिटेड ट्रेड्स। एक सेकेंड सर, हाँ देखो, 1 सितंबर को, 7 सितंबर को, 8 सितंबर को नाइट, और टोटल नंबर ऑफ कॉल्स यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम योर एंड। और भाई रिटर्न टोटल प्रॉफिट 170,000 का, 170,000 का प्रॉफिट है इस शीट के हिसाब से। बट मैं बात कर रहा हूँ पूरे महीने में, अभी तो 2 ही हफ्ते हुए हैं, 2 हफ्ते और बचे हैं, मैं कहता हूँ पूरे महीने में 1,00,000 रुपये प्रॉफिट आया सर, गंगा जाके नहा लेंगे, इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती है। टोटल ROI की बात करो, 33% प्लस रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में, नो ब्लाबला। फिर बोल रहा हूँ, जो हो गया वो भूल जाओ, प्रॉपर फॉलो करो, चेक करो खुद से, कल क्या देने वाला हूँ चेक करो। गिरते हो मार्केट में, कैडिला बोला था भैया बाई करने का 358 पे, टच किया वहीं सर, रॉकेट बनाया, 2200 का लॉट साइज था, उसके बाद न्यूज़ भी आपके सामने फ्लैश हो गए कैडिला के ऊपर, 26,000 का नेट M2M भाई, तुक्का एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, रोज रोज नहीं लगेगा। और स्टॉप लॉस देखो भाई, कोटक बैंक में सिर्फ 8,000 का नुकसान चल रहा है, स्टिल कंटिन्यू है, हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हिट नहीं हुआ है, 8,000 का नुकसान है, कंटिन्यू चल रही है कॉल, अभी हिट नहीं हुआ है। टाटा केमिकल कंटिन्यू चल रही है, हिट नहीं हुआ है भाई, सिट रिलैक्स और बताना टारगेट आया कि नहीं। अभी तक 100% की एक्यूरेसी लेवल चल रही है, नोबडी इज 100% एक्यूरेसी लेवल इन दिस मार्केट, हमारे भी लॉस होंगे, बट M2M लास्ट के महीने के एंड में बोल देगा, वो भी परफॉर्मेंस टच में रही है, वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। और लाइव कॉल्स के लिए टेलीग्राम जुड़ जाना, डोंट मिस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वो जुड़ जाना भाई। अगर नहीं जुड़ रहे हो, मेरा कुछ नहीं जाता, जो जाता आपका जाता, लाइव कॉल दे रहा हूँ, वो आप लोगों का मिस हो जाएगा भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, मेरा सलाम आप सभी लोगों को और आपके मम्मी पापा को, आशीर्वाद प्लीज़ मेरे लिए मांग लीजिएगा। और गाइस अपना ध्यान रखिए, मॉम डैड का ध्यान रखिए, कोरोना टाइम चल रहा है सर, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, नंबर्स डे बाई डे बढ़ रहे हैं, जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर निकलने का जरूरत नहीं, स्टे
होम एंड स्टे सेफ. विश यू गुड लक सर. थैंक यू.